द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जश्न मना रही है और इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये महिला आरक्षण बिल है क्या, इसका फायदा महिलाओं को कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा और कितना पहुंचेगा। एक सवाल इस बिल के साथ ये भी हो रहा है कि क्या 2024 तक इस बिल का फायदा महिलाएं उठा सकेंगी, तो जवाब है नहीं। अब अगर साफ शब्दों में कहे तो ये महिला आरक्षण बिल जो है वो महिलाओं को सिर्फ गुमराह करने के लिए लाया गया है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो महिलाओं को सिर्फ बुद्धू बनाया जा रहा है। कैसे, आपको बताते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष और बीजेपी दोनों इसके समर्थन में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल को कानून बनने में टाइम लग जाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अफसोस कि 2024 तक या फिर यूं कहें कि 2029 तक भी महिला आरक्षण का बिल जो है वो महिलाएं उसका फायदा नहीं उठा सकेंगी। अब क्यों नहीं उठा सकेंगी, इसके रास्ते में क्या क्या रोड़े आ रहे हैं, क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको बताते हैं। आप अपने स्क्रीन पर सबसे पहले सूर्य प्रताप का ये ट्वीट देखिए, यहाँ पर ये कई तरह की बातें लिखते हैं और साथ ही बिल का फायदा कैसे, कब मिलेगा और किस तरह से महिलाओं को बुद्धू बनाया जा रहा है, वो सभी बातें यहाँ पर इन्होंने लिखी है। अब इनका ट्वीट देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी सरकार कह रही है। महिला आरक्षण 2039 से पूर्व नहीं मिल पाएगा यदि परिसीमन जनसंख्या आधारित होगा तो। कारण, आखिरी बार जनगणना आधारित परिसीमन 1971 में हुआ था। 2001 में वाजपेयी सरकार ने 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 81(3) में बदलाव कर दिया। इस संशोधन के अनुसार जनगणना आधारित परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी गई है, अर्थात 2031 से पहले कोई परिसीमन नहीं होगा। अब मोदी सरकार को नया संविधान संशोधन लाकर इस रोक को हटाना होगा, नहीं तो 2031 की जनगणना के बाद ही परिसीमन संभव होगा। नई जनगणना 2031 के परिणाम आने में 2-3 साल लगेंगे, उसके बाद ही परिसीमन संभव हो सकेगा। तब तक लोकसभा चुनाव भी निकल जाएंगे। यदि मोदी सरकार परिसीमन को जनगणना से संबंध रखती है जैसा कि बिल में लिखा है, तो वर्तमान महिला आरक्षण विधेयक 2039 के चुनाव से पहले भी लागू नहीं हो पाएगा। नारी शक्ति को न्याय के लिए 2039 तक सरकार की चौखट पर खड़ा रहना होगा। यहाँ आप समझ रहे हैं कि जब तक जनसंख्या नहीं होगी, जनसंख्या का परिसीमन नहीं आएगा, तब तक महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू नहीं होगा, उसका फायदा महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। अब आपके मन में होगा कि परिसीमन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि परिसीमन किसी देश या किसी प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया और प्रक्रिया को कहते हैं। परिसीमन का काम एक उच्च अधिकारी निकाय को सौंपा जाता है और ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या फिर सीमा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, इसे परिसीमन कहते हैं। परिसीमन कब होगा, जब जनगणना होगी। जनगणना कोविड की वजह से टाल दी गई, अब जब जनगणना होगी उसके बाद जनगणना के परिणाम आएंगे, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद कहीं जाकर जो है महिलाओं को महिला आरक्षण का जो है वो फायदा मिलेगा। अब आपने ये ट्वीट देखा, अब आज तक का आर्टिकल आपके सामने रख रहे हैं जिसमें कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और साथ ही उनके जवाब भी दिए हैं। विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ ये एक 2024 में चुनाव पाने के लिए सिर्फ एक लड्डू पकड़ाया गया है, लेकिन असल में ये लड्डू किसी के भी हाथ में नहीं आएगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि दूर के ढोल जो है वो सुहाने लगते हैं, और ये महिला आरक्षण बिल भी दूर के ढोल ही लग रहा है। अब इसके पास जाकर ही पता लगेगा कि दूर के ढोल कितने सुहाने हैं या फिर कितने तकलीफ देने वाले हैं। आज तक का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि महिला आरक्षण बिल की राह में अभी कई रोड़े हैं, यानी कई दिक्कतें हैं। शर्तों के साथ समर्थन देकर विपक्ष उठा रहा है ये 5 सवाल। तो अब संसद में इसे लेकर बहस हुई है, दोबारा होगी। विपक्ष इसे लेकर क्या कह रहा है वो तो आपके सामने रखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं,
बिल को लेकर जो चीजें सामने आ रही है वो आपके सामने रखना जरूरी है। यहाँ पर देखिए पीएम मोदी ये कहते हैं कि आज 19 सितंबर की तारीख इतिहास में जो है अमृत को प्राप्त करने जा रही है। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का काम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल पेश करते हुए संसद में ये कहा। इसके बाद आपको बता दें कि इस बिल का नाम क्या रखा गया है। बिल का नाम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया है। लोकसभा और दिल्ली समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि लोकसभा सीट में 543 सीट है तो इसमें 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। SC ST के कोटा के अंदर ही कोटा होगा, यानी SC के लिए 84 सीटें जो पहले से रिजर्व हैं उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बिल पर पहले लोकसभा में चर्चा होगी, फिर लोकसभा से पास होना होगा, फिर राज्यसभा में चर्चा होगी, फिर राज्यसभा से पास होना होगा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी, फिर इस पर गजट छपेगा। तो ये आपने पूरा इसका प्रोसेस समझा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये 2024 तक लागू हो पाएगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है, ऐसे में इसका फायदा मिलेगा। साथ ही यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 2029 के चुनाव से पहले भी महिलाओं को इस बिल का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आगे है कि जिस महिला आरक्षण बिल को पेश करके इतिहास की बात BJP करती है, विपक्ष उसे क्यों अभी झुंझुना बताने लगा है। यहाँ पर जवाब जानते हैं। विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा, जैसा कि सूर्य प्रताप ने कहा। बिल में साफ साफ लिखा है कि परिसीमन के बाद ही महिलाओं को इस बिल का फायदा मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि परिसीमन कैसे होगा, जनगणना होगी, उसके बाद परिणाम आएंगे, उसके बाद परिसीमन होगा। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है और इस लॉन्ग टर्म के प्रोसेस के चलते महिलाओं को अभी ये दूर के ढोल जो है वो दूर ही रखने पड़ेंगे, ये लड्डू अभी हाथ में नहीं आएगा। यही वजह है कि विपक्ष इसे सिर्फ झुंझुना बता रहा है। आगे देखिए लिखा है कि विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक 2026 से पहले परिसीमन लगभग असंभव है, यानी कि 2026 से पहले तो परिसीमन हो ही नहीं सकता, यानी कि 2026 से पहले महिलाओं को इस बिल का फायदा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना COVID-19 की वजह से अभी तक नहीं हुई है। इसी कारण कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के नेता ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी सिर्फ 2024 का चुनाव पास देखकर सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को रिझाने की जो है वो कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला आरक्षण 2029 लोकसभा चुनाव से पहले संभव नहीं है। आरक्षण को अमली जामा पहनाने के लिए लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन ये जो पेज फंस रहा है इसमें आप समझ सकते हैं कि अभी जो है ये दूर के ढोल ही रहने वाले हैं, पास आते आते अभी बहुत वक्त लग जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इस बिल के नाम पर महिलाओं को जो है वो बेवकूफ बनाया जा रहा है, बुद्धू बनाया जा रहा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? ये बिल जिस तरह से मोदी सरकार इस पर पीठ थपथपा रही है, जश्न मना रही है, और ये बिल लागू होने में अभी कई वक्त लग जाएगा, 2029-39 तक का समय लग जाएगा, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइव टीवी सच सबसे आगे।